हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई है स्टाफ नर्स की, इसी के साथ इसमें पोस्ट क्या रहेगी, वैकेंसी कितनी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, हर एक चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पोस्ट जैसे कि आपको पता है स्टाफ नर्स की है, वैकेंसी इसमें 1200 प्लस है जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसीज है। रजिस्ट्रेशन डेट इसकी जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जनवरी में ओपन हो जाएंगे जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। बहुत से कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे थे कि आरआरबी टीटीई की कब आएगी, तो उसकी अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, सिर्फ स्टाफ नर्स की आई है। और जब भी टीटीई की आएगी उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें जीएनएम, बीएससी, एमएससी, नर्सिंग कोर्स कोई भी, या फिर डिप्लोमा अगर आपने किया है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें मिनिमम 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 40 ईयर्स। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें रहेगा रिटन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें एडिशनल सब्जेक्ट वो आपके कोर्स के रिलेटेड ही होगा। एप्लीकेशन फीस में जनरल की होगी 500 और अदर्स की 250। सैलरी भी जस्ट फॉर एन आइडिया मैं आपको बता देती हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है वो है 44,500। तो आज की वीडियो में हमने आरआरबी स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है उस पर बात की है। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट।